मैं गर्दन तक कर्जे में डूबा हुआ, अगर भूल से भी पैसा आता है तो वो कर्जा देने में चला जा। मुझे कुछ नहीं है तुम्हारे पास। वैसे तो बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा के रिलीज में अभी भी लगभग 5 दिनों का समय बाकी, लेकिन फिल्म के रिलीज के लगभग 6 दिन पहले ही CBFC बोर्ड साथ ही सुपरस्टार अक्षय कुमार के कुछ करीबियों को फिल्म दिखा दी गई, जहां से फिल्म के रिव्यू सामने निकलकर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा के अर्ली रिव्यूज के बारे में। तो अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि 6 जुलाई के दिन मतलब शनिवार के दिन फिल्म सरफिरा की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां से फिल्म के ट्विटर रिव्यू सामने निकल कर आ चुके हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें पहले रिव्यू के बारे में, तो एक यूजर ने लिखा है कि सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हर बार की तरह अपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है, साथ ही परेश रावल ने भी अपनी भूमिका काफी अच्छे से निभाई है, साथ ही फिल्म के बाकी एक्टरों ने भी काफी अच्छा काम किया, लेकिन सूर्या के कैमियो ने सारी लाइमलाइट लूट ली। उन्होंने लिखा कि कुल मिलाकर फिल्म काफी अच्छी है। अगर बात करें रेटिंग के बारे में, तो इस यूजर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी। अगर बात करें दूसरे रिव्यू के बारे में, तो एक यूजर ने लिखा कि फिल्म की इंस्पायरिंग स्टोरी और फिल्म के पावरफुल इमोशन सभी को इम्प्रेस कर रहे हैं। अगर बात करें तीसरे रिव्यू के बारे में, तो एक यूजर ने लिखा कि हिट लोडिंग और ये फिल्म सुपरस्टार अक्षय कुमार की काफी बेस्ट फिल्म है, जिसमें इन्होंने एक बार फिर से अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी है और इन्होंने भी इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी है। और एक यूजर ने लिखा कि ये फिल्म सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज और OMG 2 के बाद इनकी एक और बेहतरीन फिल्म है, साथ ही इन्होंने फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी। अगर सभी की रेटिंग को कन्वर्ट किया जाए तो बताया जा रहा है कि फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग मिल चुकी, जो कि अपने आप में काफी शानदार है। और फिल्म के अर्ली रिव्यू आते ही फिल्म का इंटरेस्ट बुकमाइशो पर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जी हां, फिल्म को बुकमाइशो पर लगभग 58,000 से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जिससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म का हाइप कितनी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही आप सभी को बता दें कि फिल्म के रिलीज के लगभग 5 दिन पहले यह फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। जी हां, फिल्म के ट्रेलर को अभी तक लगभग 70 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर देख लिया है और बताया जा रहा है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग को काफी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद यह फिल्म तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से ले सकती है और बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। तो आप सभी सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप सभी को क्या लगता है, यह फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर ले सकती है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।